बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल, और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे शियान जोतांग की चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, सीएस स्कॉलरशिप के बारे में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसका मैं भूल गया था लिंक डिस्क्रिप्शन में देना, तो आप जो है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाइएगा इस वेबसाइट पर। डिटेल जो है स्कॉलरशिप की, जो यूनिवर्सिटी आपको पता है XJDU शियान जोतांग यूनिवर्सिटी है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है ये स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, 3500 RMB पीएचडी वालों के लिए, और मास्टर के लिए जो है 3000 RMB है। ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। ओके, हो गया। 15 मार्च 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है आपके सामने, सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीएचडी के लिए जो है एज लिमिट 40 साल है, मास्टर के लिए जो है 35 ईयर्स। ओके, और अप्लाइंग प्रोसीजर जो आपने क्या करना है, पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो है दूसरा आपने यूएसटी फॉर्म फिल करना है XJTU का। ओके, हो गया। नज़ला थोड़ा सा लगा हुआ है, ये चलता है पूरा साल, तो बर्दाश्त कीजिएगा, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा काम खराब हो जाता है। 800 RMB एप्लीकेशन फीस है, ये आपको पे करना होगी। अगर आप समझ रहे हैं कि ये फ्री है तो फ्री बिल्कुल नहीं है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ओके, हो गया। ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से मिल जाता है तो अप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं मिलता, आप सोच रहे हैं कि अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस हो गए या नहीं हो गए, तो हो जाती है सिलेक्शन। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, हो गया। ये टॉप 10 में आती है चाइनीज चाइना में। ओके, हो गया। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सीएससी के फॉर्म पे अपलोड करने हैं, जो फिल करना है, और उसको डाउनलोड कर लेना है, और यूएससी के पोर्टल पे भी। ठीक, हो गया। मैं यूएससी के पोर्टल पे आपको लेके चलूंगा, और सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप पूरी डिटेल से वीडियो ये देख लीजिएगा। करना क्या है आपने, अब रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। चाइनीज सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ये वाला यहाँ से डाउनलोड करना है, और यूएससी के पोर्टल पे आपने अपलोड करना है जब ये फॉर्म फिल करने लगेंगे। ठीक, हो गया। ये यहाँ पे लिंक ओपन हुआ हुआ है, मैं अभी ले चलता हूँ। उसके बाद XJTU का यूएससी फॉर्म, हायस्ट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद डिग्री। डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल नहीं है तो, या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड, अगर एमएस के लिए कर रहे हैं तो 2 सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड, और प्रोविजनल नहीं है तो या डिग्री नहीं है तो फिर आपको बनानी पड़ेगी, होप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। ओके, हो गया। स्टडी प्लान और रिसर्च रिसर्च प्रपोजल। ओके, हो गया। फॉर मास्टर 800 वर्ड्स एंड फॉर पीएचडी 1500 वर्ड्स। ठीक, हो गया। ये होना चाहिए पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर जो है 2 प्रोफेसर के होने चाहिए। उसके बाद जो है मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म विद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ये आपके पास या साथ लाजमी होनी चाहिए। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की कौन कौन से ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड है। ठीक है, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। आइट्स जो है मैंडेटरी नहीं है। ओके, हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे आपने देख लिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें ये आपके पास होने चाहिए। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी पोर्टल यहाँ पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी पोर्टल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप XJTU का ISO, इसका पहले जो सिस्टम था वो और था, अब इन्होंने और कर दिया। लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर से इन्होंने ये नया पोर्टल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, यहाँ पे ISSO XJTU.in आप अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एप्लीकेशन है ऑलरेडी जो है, एप्लीकेशन लास्ट ईयर जो मैंने बनाई थी वीडियो बनाने के लिए वो यहाँ पे है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके डायरेक्ट ये डायरेक्ट आ जाएगा, डिग्री प्रोग्राम्स और नॉन डिग्री प्रोग्राम्स। डिग्री प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, ये वाली स्कॉलरशिप आपने ये वाला स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। ओके, हो गया। ये भी आपका किसी खाते का नहीं है फिलहाल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। पीएडी के लिए करना है, मैं सब चीज़ पीएडी के लिए कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ पीएडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम डॉक्टर स्कॉलरशिप स्टूडेंट। ओके, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ आगे आ जाता है ये वाला पॉपअप, ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पूरी डिटेल यहाँ पे भी दी गई है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेजर कौन कौन से हैं। ओके, हो गया। ये 2022 की जो है ये डिटेल है, इसमें हो सकता है ये सारे चाइनीज में हो क्योंकि ये चाइनीज वर्जन है। अच्छा, इसको हम 1 मिनट के लिए बैक करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट ये सारा वही होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे भी डाउनलोड कर, ये वही है सेम है। अच्छा, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ इसके, इसमें मेजर कौन कौन से हैं। चले, हम एक मरतबा मैं करता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेजर कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स का मसला होता है ये। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, ये अभी शो हो जाएगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आ जाएगा ये।
आ गई, ये अभी डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मेजर जो है अवेलेबल है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, ये डेडलाइन यहीं पे दी गई होगी कहीं ना कहीं पे, ये उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ये दी गई है 15 मार्च जो है, ये नवंबर 15 से स्टार्ट है, 15 मार्च डेडलाइन है, 18 मार्च तक आप फी पे करा सकते हैं जो 800 RMB है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वही हैं। स्कॉलरशिप्स की टाइप्स इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह जैसे CSE के बाद जो है मैं वो आपको बता दूंगा। काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप इनकी होती है अगर आप इसमें करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम जो है मास्टर के लिए कौन कौन से हैं, ये मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस इंजीनियरिंग, और 2 साल के भी हैं, 3 साल के भी हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुए उनके ड्यूरेशन उनका लिखा हुआ है, ओके हो गया। अच्छा, अब ये मैकेनिकल केमिकल, ये स्कूल ऑफ जीने इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक, स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म, ये सारे हैं, ये इधर जो है ये PhD वालों के लिए। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके, ओके हो गया। अब यहाँ पे ये चाइनीज मीडियम प्रोग्राम है ये वाले, इसमें ड्यूरेशन उनका लिखा हुआ है, जितना भी है इसमें सारे जो है ये चाइनीज मीडियम है, ये PhD वालों के लिए। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें। अब आपको पता चल गया, मैं यहाँ पे दोबारा जो है साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन करने के बाद ये साइन इन फेल्ड आ गया, ये पासवर्ड पुराना लिखा हुआ है, मैं इसे अपडेट करके लॉग इन करके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ठीक है, मैं लॉग इन हो गया दोबारा, माई एप्लीकेशन लिस्ट ये है, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नई नई नया के प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूँ, PhD स्कॉलरशिप। ठीक, ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर अकाउंट बनाया था तो आप उसी को एडिट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम लिस्ट, यहाँ पे भी आप प्रोग्राम लिस्ट देख सकते हैं, ये जितने प्रोग्राम हैं। ठीक है, मैं बैक चला गया था, यहाँ पे भी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें आप देखना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी, मैं यस कन्फर्म यस पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन की आ जाती है। ये जी जिया यूनिवर्सिटी का मैंने लास्ट टाइम बताया था, कल परसों वीडियो बनाई थी, सेम टू सेम वैसा तरीका कार है इसका, सारे का सारा इसका है पड़ा तरीकाकार, वही जो लास्ट टाइम था। यू हैव पासवर्ड, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने अपनी दे देनी है, फैमिली ये अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, नेटिव लैंग्वेज उर्दू है आपको पता है, करंट ऑक्यूपेशन और स्टेटस जो है आपने अपना लिख देना है, अगर आप स्टूडेंट है स्टूडेंट, इंप्लॉयर है इंप्लॉयर, जो भी है आप लिख देना है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए होती है लेकिन आपने लिखनी होती है, करंट इंप्लॉयर और स्कूल स्कूल का नेम लिख देना है जहाँ से आप पढ़े हैं, तो हॉबी जो है ये आप लिख देनी है, हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिख देना है यहाँ पे, वेयर डू यू लर्न फ्रॉम अबाउट इसका कि आपने एचयूडी के बारे में कहाँ से सुना था, तो आपने अंदर पे सिलेक्ट करके या यहाँ से लिख देना है CSE गाइड ऑफिशियल, एक मिनट लिख देते हैं यहीं पे, CSE गाइड ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, अगर नहीं है तो कोई मैच नहीं कर रहा तो आप फिर जो है इसको क्लोज कर दे। ठीक है, इसमें से कहीं से कहीं कोई ना कोई जो है आपने फ्रेंड्स फ्रॉम जो भी सिलेक्ट कर दे कर दे। इसके बाद जो है फैमिली मेम्बर्स ऑफ द एप्लीकेंट, आपने अपने फादर साहब वाले साहब की जो है इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ठीक है, ऐड करना चाहे फैमिली मेम्बर तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके जो है आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते जाए जो भी जैसा आपका दिल करे। ठीक है, दो मिनिमम दो रिक्वायरमेंट हो, अगर एक फिल करके नेक्स्ट कीजिएगा हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्लस के ऑप्शन पे ऐड करके क्लिक करके अपने भाई की या अपने मदर की ब्रदर की बहन की किसी की देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। यस, ओके, नेक्स्ट पे आ गया मैं, कंट्री, ये सारी बेसिक सी चीज़ें, ये चीज़ें हैं ये आपने दे दी है, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपने दे दी, उसके बाद पोस्टल कोड जो है आपका यस है नो नो है तो ठीक है, पोस्टल कोड आपने यस कर देना है, पोस्टल कोड लिख देना है आपने, ये जो जैसे मेरा मेरा लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आ गया है, पोस्ट ऑफिस खास चेक नंबर 120 TDA तहसील है डिस्ट्रिक्ट लिया। ठीक है, ये हमारा लिया का डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा होता है ये है जो हमारा एड्रेस है, अब ये ना हो ये सारे एड्रेस ढूंढ रहे हो ये कहाँ पे है कहाँ पे, इस बंदे को ढूंढो भाई, लिया 120 चेक सबको पता है, टेल इंडेस वाला। ठीक है, उसके बाद करंट कॉन्टैक्ट एड्रेस, अब आप जी कोई जो मुझे इस इलाके में कोई किसी का दोस्त हो वो पता करेगा यार ये कौन है ये बंदा, इसका ढूंढो ये वो, मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आज की भी है। ठीक है, चले कोई नहीं, आप अगर ढूंढ लेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस और टेलीफोन नंबर जो है आपने वो अपना दे देना है जो आपका मौजूदा है पता। ठीक है, कोई लिख देना है अपना मसला, लेकिन आपने ये लिखना सही सही है, पोस्टल कोड आपका सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए।
उसके बाद अगर हाँ यह चीजें मैं अगर आपको बता दूं, अब ये अगर यहाँ पे कैसे आपने सेलेक्ट करना है, डिलीवर आपने डिलीवर पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपने सारा एड्रेस अपना दे देना है। लास्ट टाइम अब क्या हुआ था, इसी साल की बात है, अभी 2-3 महीने पहले जो सिलेक्शन हुई है सितंबर में, एक लड़के ने क्या किया जो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कलेक्ट फ्रॉम शियान जियोतांग नोटिस, ठीक। उसके बाद ये एड्रेस भी लिख, ये सारी चीजें लिख भी दी। अब जब उन्होंने एड्रेस सेंड किया डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ भी अपने शियान जियोतांग में से, उसने कहा कि मैं मेरा शियान जियोतांग में से जो है कोई पर्सन उठा लेगा, गलती सिलेक्ट कर दिया जो भी था। तो फिर वो हमने ग्रुप बनाया था जो सिलेक्ट जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, तो उनमें उसने कहा कि इरफान भाई मुझे जो है एक मसला हो गया, वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उठाएं उठा लें, तो मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ। मैंने कहा तो आपने उनसे कह दें कि मुझे पाकिस्तान भेज दें, उन्होंने कहा नहीं अब आपने लिख दिया तो आप उठवाएं डॉक्यूमेंट्स। तो फिर एक दोस्त था जाने वाला वहीं पे, तो मैंने उसे कहा यार ऐसे ऐसे डिटेल है, तो ये लड़के की डिटेल है, आप आईएसओ पे जाएँ, इंटरनेशनल ऑफिस के स्टूडेंट जाए ऑफिस जाए उनसे कहें कि ऐसे ऐसे है। तो फिर इधर से उसने मेल भी की कि उस लड़के की इंफॉर्मेशन दी जो मेरा दोस्त था, तो भाई इसको डॉक्यूमेंट्स मेरे दे दें। तो वो उसने भी जो दोस्त था उसने भी इंफॉर्मेशन जाके दिखाई कि हाँ ये इस लड़के की आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी, तो मेरे इस उसके डॉक्यूमेंट जो मुझे दे दें। उसने फिर डॉक्यूमेंट्स दिए, तो फिर उसने जो है मैंने उसे कहा कि फलां उस लड़के से पता किया एड्रेस का बताया, उसने कहा बताओ, मैंने कहा बताओ, उसने फिर एड्रेस बताया, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स उसके एड्रेस पे पहुंच गए, कोई 3-3500 रुपया लगा था, जितने भी उस लड़के के चार्जेस थे वो मैंने उसे जायज कैश करवा दिए थे, उस लड़के से कहा कि इतने चार्जेस हैं, तो उसने भेज दिए थे, ठीक है। तो इस तरह काम चला था, तो आपने अपना सही एड्रेस देना है। अच्छा डोमेस्टिक आप जो है आपने डोमेस्टिक और एब्रॉड आपने करना है, इंटरनेशनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल इसको छोड़ देना, चाइनीज मेनलैंड को छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, आपने इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें आपने कर देनी है। ओके हो गया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी की भी दे देनी, अपने वाले साहब की दे देना ज़्यादा बेहतर है, या भाई की किसी की भी जो खुदा ना खाता कोई मसला हो जाता है वो इससे पे कॉन्टैक्ट कर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन चाइना, चाइना में किसी कोई दोस्त है तो ठीक है, नहीं तो अपने वाले साहब की दोबारा दे दें या भाई की दे दें। ओके हो गया। कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन अफेयर्स ग्रेंटर इन चाइना, डू यू हैव एनी ग्रेंटर इन चाइना, नो, अगर यस है तो ठीक है, कोई किसी का दे दें, अगर नो है तो फिर इसको यस नो कर दें। ओके अच्छा, इसके बाद है जी कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ इकोनॉमिक ग्रेंटर इन चाइना, नो नो है, ये भी नहीं है। यहाँ पे अगर किसी की इन्फॉर्मेशन देना चाहे, यूएसटी की इन्फॉर्मेशन जो भी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आप नो कर दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यस करना चाहे तो आपको कोई अपने दोस्त की डिटेल दे सकते हैं जो चाइना में है या पाकिस्तान में है, तो ये इतना लाजमी नहीं है, लेकिन आपने फिल लाजमी करना है कोई ना कुछ चीजें। इन्फॉर्मेशन ऑफ रेफरीज, रेफरीज इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी, अपने जिसने रिकमेंडेशन लेटर बना के दिए वो उसकी देना चाहे तो उसकी दे दें, अपने किसी दोस्त की दे दें जिनको आपने उस जिसने आपको बताया था स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ, आप ये कहें कि ये आप सिर्फ बताते जा रहे हैं, ये फील नहीं करते, बेसिक सी चीज़ें हैं, जिसकी भी देना चाहें दे सकते हैं। शुरू शुरू में जब हम अप्लाई करते थे हम भी यही कहते हैं पता नहीं ये सही इन्फॉर्मेशन दूंगा या गलत दूंगा, इसी वजह से रिजेक्शन ना हो, इस तरह कोई सीन नहीं है। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने दे देने हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम, ठीक है, वो कितना है वो आपने दे देना है, ठीक है। इसके बाद है प्लीज डिवाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट टाइम और मोर देन 20 सच एज द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सिटी हाई स्कूल। आपने यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी हाईएस्ट डिप्लोमा जो आपने किया है, ठीक है। उसके बाद जो है हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री ऑब्टेन, जो आपने डिग्री ऑब्टेन की है वो, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दे दीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफाइड स्टडी प्रोग्राम, ये आपने ड्यूरेशन दे देना है। स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये आपने इंस्टीट्यूशन के स्कूल उसका दे देना है, ठीक है, कौन सा स्कूल है। यहाँ पे आपकी दोनों इन्फॉर्मेशन जो है सेम आएंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे जो हाईएस्ट एजुकेशन आपकी होगी, जो अपने टॉप जो आपने मीन्स क्या, अगर आप पीएचडी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे मैं मास्टर की इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री ऑफ स्पेसिफिक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अच्छा इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट डिग्री देंगे, उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी बैचलर की देंगे, उसके बाद सो ऑन। यहाँ पे जो है आपने कौन सी है जो आपकी आपने मास्टर मास्टर ये सिलेक्ट करनी है, डिप्लोमा ऑब्टेंड जो है ये आपने मास्टर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। एकेडमिक और ये वो सारी चीज़ें ये आपने अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेम हो सकती है क्योंकि आपने टॉप आपकी सेम है, ठीक है। अच्छा अब है जी, क्योंकि ये आपका ये उन्होंने कहा हाईएस्ट से जो है लो तक,
आपने फिर पहले अपना मास्टर की देना है, फिर ऐड करके बैचलर का देना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आगे सो ऑन चलते जाना है, ठीक है। सो ऑन क्या चलना है, आगे आगे इंटरमीडिएट और मैट्रिक का दोनों का देना है, अगर ना भी दे उनकी इन्फॉर्मेशन तो खैर है, लेकिन अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर और बैचलर की देना लाजमी है बस, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद है जी, हैव यू स्टडी इन चाइना, अगर आपने स्टडी किया है चाइना में तो ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हैं जो भी है तो यस यस, अगर नो है तो नो भी। विल यू ग्रेजुएट बिफोर सेप्टेम्बर ऑफ दिस ईयर, मीन्स कि अगर आपका डिग्री नहीं मिली तो आप सेप्टेम्बर से पहले ग्रेजुएट होंगे भाई, यस, ठीक है। हैव यू एवर स्टडी इन शाह जो था, नो भाई नहीं, आर स्टडी मेल भाई नहीं पढ़ा, यहाँ पे भी नहीं पढ़ा, ये नो, बस बात खत्म। अच्छा, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, नो, अगर है तो ठीक है तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिए भाई नहीं है, ठीक है तो आप फिर अपने हिसाब से जो आपने जॉब किया है कहाँ पे किया है एम्प्लॉयर जो भी थे हिसाब से कुछ ना कुछ लिख दें, अगर नहीं है तो फिर ओके करो। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस चाइना, नहीं है भाई, ये भी नहीं है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है जो हमारी भाई एक्सीलेंट है भाई, यहाँ पे एक्सीलेंट, अदर्स जो है ये नन कर दे, इंग्लिश लेवल जो है अदर्स कर दे, ठीक है। स्कोर ऑफ लेवल आप यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। चाइनीज प्रोफिशिएंसी भाई नन है, नन है भाई, नन है, कोई कुछ नहीं है, बस नन है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके हो गया। मैं स्टडी प्लान पे आप क्लिक करता हूँ, यस, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं सारी फिल नहीं कर रहा, ये मेरे पास इस वजह से आ रहा है, ठीक है, अगर ना आया और लेकिन ना किया होता तो फुल किया होता शायद आ जाता। अब यहाँ पे है जी ये वाली चीज़ें कि आपने भाई किस प्रोग्राम में दाखला लेना है, ठीक है, किस प्रोग्राम में आपका मूड है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये आपने प्रायोरिटी आई थिंक एक ही है, यहाँ पे इसको डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये डिलीट ऑलरेडी हुआ है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं केमिस्ट्री सिलेक्ट कर देता हूँ, चले जी केमिस्ट्री वाले क्या याद करेंगे, केमिस्ट्री में से कौन कौन सी केमिस्ट्री है जी, अकेली सिर्फ केमिस्ट्री है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भाई साफ जाहिर है चाइनीज़ भाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वाला मेजर इसमें हम दाखला आपको नहीं कर रहे हैं, आप छुट्टी करें। मैं और कोई सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी केमिस्ट्री आ रहा है, ये सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा ये ठीक है, ये भी नहीं होगा इंग्लिश में आई थिंक, ये चाइनीज़ में होगा। अच्छा, कोई और सिलेक्ट करके देखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल तो ये तो इंग्लिश में होगा पक्की बात है, मेरा दोस्त यहाँ से ग्रेजुएट हो चुका है 2020 में, तो वो अब जॉब भी कर रहा है चाइना में, फिट जॉब है उसकी, मज़े कर रहा है वो, लुट मचा रहा है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ये भी सर्च होता है, आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेजर नहीं आ रहे, बस ये है कि ये आ गया है मेजर जो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है, कभी कभार जो है स्पीड की वजह से नहीं होता, फिजिक्स का मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ कि फिजिक्स का है या नहीं है, फिजिक्स का होना चाहिए यार, फिजिक्स का क्यों नहीं है, फिजिक्स का, अच्छा चाइनीज सेलेक्ट करके देता हूँ, देखता हूँ चाइनीज़ में है, चाइनीज़ में तो होना चाहिए, है चाइनीज़ में है, इंग्लिश में नहीं है, ये क्या वजह। कोई और सेलेक्ट करता हूँ मैं, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पब्लिक एंड, इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं है या नहीं, इसका भी नहीं है यार, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, इसमें इंग्लिश काफ़ी सारे मेजर जो है इंग्लिश में है, पावर, क्योंकि ये मेज ज़्यादातर जो ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक, इसमें मैं कहता हूँ आउट क्लास है, ठीक है, तो इस वजह से चाइना के जो ज़्यादातर मेजर इसमें मेडिकल के हैं, वो मेडिकल कह रहा हूँ सॉरी, इलेक्ट्रिकल के उनके हैं, मैनेजमेंट, चलो ये तो होगा, ये भी नहीं है, क्या करना क्या चाह रहे हैं यार ये शियान जो दांग वाले। मैं कोई और सिलेक्ट कर देता हूँ यार, कोई ऐसा एवं कोई फजूल सा डिपार्टमेंट, नहीं फजूल तो नहीं, एवं कोई अच्छा सा, ये ना उसमें वो आप मेजर आपका हो और ये कहे कि फजूल है, ये भी है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बल्कि ये भी चाइनीज़ में है, सॉरी इसको मैंने इंग्लिश में सेलेक्ट किया हुआ नहीं है, एक मिनट दोबारा, ये है इंग्लिश में, ठीक है। कोई और सेलेक्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी आई थिंक है इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, काफ़ी सारे हैं इस तरह, आपने अपना सेलेक्ट करना है, अगर आपका इंग्लिश में है तो इट मीन्स कि आपका है, अगर नहीं है तो फिर आप छुट्टी करें यहाँ पे, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप CSE में तो आपको नहीं मिलेगी चाइनीज़ लैंग्वेज में, अगर आपका मेजर है, आपने एक्सेप्टेंस लेटर आपका आपके पास है और चाइनीज़ में है तो आपको एक साल पहले चाइनीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के खाते में पढ़ाएंगे वो, ठीक है, CSE नहीं मिलेगी आपको, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट हुए थे, मैं खुद सिलेक्ट हुआ था इसमें 2019 में, 2020 में, मेरा मेजर चाइनीज़ में था, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन ना आए तो, इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश नहीं है, सीधी सी बात है, चाइनीज़ में सेलेक्ट करता हूँ चाइनीज़ होगी, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया जी।
तो 22 से 25, ठीक है। क्यों, एक साल उन्होंने कहा आप आपको चाइनीज़ पढ़ाएंगे, मैंने कहा भाई नहीं, मेरी सी एस सी स्कॉलरशिप लग गई, आप छुट्टी करें। मैं छोड़ गया था यहाँ से, फिर मैंने इनको ना कर दी थी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, अगर आप बी आई टी का बोर्ड हो तो हमारे पास आइएगा। मैंने कहा ठीक है वो सबको कहते हैं। अच्छा ये हो गया, आपने अपना मेजर सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। ओके हो गया, चूज योर मेजर। अच्छा चूज योर मेजर, ये वाला मेजर भी सिलेक्ट करना है, ठीक है चूज। हाँ यहाँ पे चूज कर लेना है, चूज ठीक है, कन्फर्म है, यस पे क्लिक करके आगे चले जाना है आपने। मैं नहीं करता इस पे, मैं वैसे ही आगे जा रहा हूँ भाई, नहीं करते जो कर लो। अच्छा इसके बाद है कैंसिल, इसको मैं करता हूँ दोबारा करता हूँ, ओके करता हूँ, यस नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स एक्सेसरीज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इधर पहले पहले आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है, उसके बाद ओरिजिनल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ओरिजिनल, ओरिजिनल हाईएस्ट डिप्लोमा, ठीक है, नोटराइज कॉपी मीन्स ओरिजिनल, ओरिजिनल है तो ठीक है, नहीं तो जो है नोटराइज कॉपी करवा दी आपने। अच्छा इसका ऐसा कीजिएगा, ये ओरिजिनल डिप्लोमा एंड इट्स नोटराइज कॉपीज आपको, आप ये ओरिजिनल भी मांग रहे हैं इस टाइम आई थिंक, इस मरतबा आपने अपना और अपने कलर जो है, आपने अपनी जो आपकी डिग्री होगी ओरिजिनल उसकी आपने कलर करानी है प्रिंट, ठीक है, कॉपी फोटो कॉपी कलर करवानी है, उस कलर को आपने कर देना है नोटराइज, आपकी ओरिजिनल भी हो जाएगी, नोटराइज भी हो जाएगी, एक पीस से दो शिका, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, अगर इस तरह का कोई मसला, ये नहीं कि अगर आपकी आपने ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ना अपलोड किए, सिर्फ नोटराइज अपलोड किए, नोटराइज होना लाजमी है, ठीक है, तो वो फिर आपकी स्कॉलरशिप, वो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी, इस तरह कोई सीन नहीं है। वो आपको कहेंगे यूनिवर्सिटी वाले दोबारा, भाई आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स मिस है या ये सही नहीं है, आप इसको दोबारा इस तरह करके दें, वो आपने दोबारा आप करके दोबारा सबमिट कर देंगे, डेडलाइन चाहे गुजर भी गई हो, ठीक हो गया, इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेटेस्ट डिग्री साचेस, ये जो भी है आपने कर लेनी है। उसके बाद ये फॉर्मेट आपने जो पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी एंड बीएमपी, 500 से 550 KB से 3 MB तक होना चाहिए, साइज ज़्यादा ना हो, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर, पहला रिकमेंडेशन लेटर, दूसरा स्टडी प्लान, रिसर्च अचीवमेंट अगर आपके पास है, नहीं तो छोड़ दें, लेकिन यह है कि रिसर्च अचीवमेंट्स यहाँ पे ये कंपल्सरी दिया गया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, स्टडी प्लान टाइप जो भी है, ठीक है। सर्टिफिकेट, बल्कि ये मैंने पीआईडी का सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है पीआईडी वालों के लिए कुछ ना कुछ तो पीआईडी वालों ने किया होगा ना, थीसिस वगैरह जो भी किए होंगे वो ये भी कर दीजिएगा। चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज इनफ, कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि आइट्स वगैरह ये भी है। अच्छा इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने जो सीएससी का फॉर्म, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो फॉर्म फिल करेंगे ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ये सिलेक्ट फाइल करेंगे और कर देंगे, ओके हो गया जी। इफ यू हैव अदर एक्सेसरीज, अदर मटेरियल, क्लिक क्लिक ऑन एड बटन, अगर आपके पास कोई और मवाद है, और माल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, लाइक कोई अचीवमेंट्स वगैरह जो सर्टिफिकेट जो होते हैं वो वाले। कोई फीस का ऑप्शन इन्होंने नहीं यहाँ पे किया, शायद अभी करें, ठीक है, मैं फीस का ऑप्शन कहीं पे नहीं है फिलहाल तो। अच्छा ये कन्फर्म, अच्छा ये एक मरतबा अपना फॉर्म देख लीजिएगा सारे का सारा कि कहीं पे रह तो नहीं गया, हो सकता है जब आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद जो है आपसे कहें कि भाई हाँ अब आप रोकड़ा जमा करवाएं, फीस जमा करवाएं, जो आपने 800 RMB जो फीस है, इधर तो कहीं पे ऑप्शन नहीं था, आपने देख लिया कोई फी वाला ऑप्शन कहीं पे भी नहीं आया, हो सकता है ये फी करने के बाद ऑनलाइन ही आपको फी पे करनी पड़े। मैं सर्च भी कर देता हूँ यहाँ पे, शायद कोई फी वाला ऑप्शन मैं भूल गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं है निश्ता। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, मजीद वेबसाइट उसके लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट csgovernmentofficial.com, एंड इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, सो इफ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, सो विजिट अवर वेबसाइट csgovernmentofficial.com। और अगर किसी का सवाल है कोई भी इस चैनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो भाई आपका भाई हाजिर है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रहेगा, अल्लाह हाफिज़।